हाय फूडीज़, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। पर पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाएं। कच्चे आम की चटनी यानी कि अम्बी की चटनी के लिए हमें करीबन 1 किलो आम का गूदा चाहिए, यानी कि इस आम को हम छीलेंगे, कद्दूकस करेंगे और इसकी गुठली को निकाल देंगे। उस 1 किलो गूदे में हमें 800 ग्राम जो है चीनी डालनी है। उसके साथ हम इसमें 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद नमक और 1.5 टेबल स्पून काला नमक का इस्तेमाल करेंगे। टेबल स्पून का साइज़ ये लिया गया है। उसके साथ ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून घर का बना हुआ गरम मसाला। उसके साथ हम ये अबाउट 3/4 कप ऑफ विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। तो आम को हमने छील के और गुठली निकाल दी हुई है। अब इसको हम मिक्सी में डालकर पीस देंगे, श्रेड कर देंगे या क्रश कर देंगे। इसके बाद इस मिक्सचर को कुकर में निकाल देंगे। और फिर हम इसमें चीनी मिला देंगे। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर रात भर के लिए इस मिक्सचर को फ्रिज में रख दें। सो ये ओवरनाइट चीनी डाल के हमने मैंगो का मिक्सचर रखा है, कच्चे आम का। तो आप देखिए चीनी बिल्कुल बीच में घुल मिल गई हुई है। तो अब इसको हम गैस पे रख देंगे पतीले को और इसको कुक करना शुरू कर देंगे। सो 5-7 मिनट में ही थोड़े थोड़े बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं। बस आप ध्यान दीजिए कि करछी को हिलाते रहें ताकि चीनी और आम का मिक्सचर नीचे ना लग जाए। तो मिक्सचर उबलने लगा है तो इसको थोड़ा धीमी आंच पे कर दीजिए। तो इसमें अब बुलबुले पड़ रहे हैं और ये बाहर उछलना शुरू हो रहा है। अब हमने इसको एक तार की चाशनी तक पकाना है। तो ये देखिए, ये एक तार की चाशनी तक पक गया हुआ है और अब हम इसको इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले इसमें नमक और काला नमक दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है, वो डाल देंगे। फिर हमने मिर्ची और गरम मसाला दोनों को एक ही कटोरी में डाल दिया है, उसको डाल के अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो जो हम विनेगर लिया है उसको डाल देंगे और फिर से इसको मिक्स करके कुछ देर पकने देंगे। तो इसमें दोबारा से उबाल आना शुरू हो गया है। गैस को स्लो कीजिए और बस 3-4 मिनट और हमने इसको पकाना है और ये आम की चटनी रेडी है। बेहद स्वादिष्ट और चटपटी आम की चटनी बनके तैयार है। इसे चाहे तो सुबह के नाश्ते के साथ खाएं या शाम के स्नैक्स के साथ एंजॉय करें।